15 साल से स्थगित मुद्दे, बस्तर के इतिहास के एक बड़े हिस्से के साथ खिलवाड़ है। क्या कांग्रेस की सरकार खुश कर पाई जनता को? उनकी सभा को छोड़ के यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं। जब 2019 में कांग्रेस की सरकार चुनकर आई थी, समाज के सभी वर्ग अपने मांगों को लेकर के एकजुट। मुख्यमंत्री के द्वारा इस प्रकार के बयानबाजी करना की। नमस्कार, मैं हूं दिलीप गुहा और आप देख रहे हैं बस्तर एक्सप्रेस। जब 2019 में कांग्रेस की सरकार चुनकर आई थी तो उसके बाद से लोगों में यह बात थी कि 15 साल से उनकी जो मांगे हैं, स्थगित हैं, वह यह सरकार पूरी कर देगी। आपको बता दें, 10 दिन के अंदर ही सरकार ने लोगों की सभी मांगों को पूरा करने का वादा किया था। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं, आज जब संभाग स्तरीय पिछड़ा वर्ग का यहाँ सम्मेलन हुआ है तो इसमें इनकी मांगों पर मुख्यमंत्री जी ने क्या प्रतिक्रिया दी है। तो हमारे साथ इस वक्त हैं प्रदीप देवांगन जी, देवांगन समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनका जो आज सम्मेलन हुआ वह कैसा रहा और इसके बारे में कुछ अधिक जानकारी हम इनसे लेना चाहेंगे। आज का ये सम्मेलन जो यहाँ पिछड़ा वर्ग समाज के द्वारा आयोजित था, स्वस्फूर्त सम्मेलन था, जिसमें लोगों ने अपने स्वयं की साधन से और स्वयं का पैसा खर्च करके पिछड़े वर्ग वाले प्रत्येक समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे और उम्मीद कर रहे थे कि जो 27% जो आरक्षण का मुद्दा है, जो पिछले 15 सालों से हमारी मांग है पिछड़ा वर्ग समाज का, और पैसा एक्ट जो बस्तर में जो लागू करने की जो बात चल रही है उसके विषय में यहाँ मांग रखी गई थी। मुख्यमंत्री के द्वारा इस प्रकार के बयानबाजी करना कि पैसा एक्ट पंचायत स्तर पे आरक्षण के हिसाब से जिसकी जितनी जनसंख्या उपस्थिति होगी उसके हिसाब से लागू होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में इस नियम को लागू करने का थोपा जाना न्यायोचित नहीं है। यहाँ पे कोई बीजेपी कांग्रेस का सम्मेलन नहीं हो रहा था, पिछड़ा वर्ग का समाज का सम्मेलन हो रहा था और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे बातें कही, सीधा सीधा इस पर स्पष्ट हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी के मन में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट की लड़ाई की ओर लोगों का ध्यान आकर्षण किया गया है कि हमने लागू 27% का लागू करने के लिए बात देनी है ना, पैसा एक्ट हमारे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। लेकिन प्रदेश मुखिया के होने के नाते मुख्यमंत्री जी को ये बयानबाजी नहीं करना था, वो प्रदेश के मुखिया हैं, उनके अनुसार हमारे साथ उनको चलना था और लड़ाई में उनको सहभागिता निभाना था। इस कारण से आज इनकी इस बयानबाजी से पूरी पब्लिक, जो पिछड़ा वर्ग के समाज लोग हैं, रुष्ट होकर उनकी सभा को छोड़ के यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं। आज का ये पूर्ण सभा, पिछड़ा वर्ग समाज का जो सभा था, ये सब नाराज होके जा रहे हैं, जिसके आने वाले समय में इनका परिणाम जो भी पार्टी रहेगी उसको भोगना पड़ेगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा प्रदीप जी कि आपके द्वारा जो बातें बताई जा रही है, क्या आपकी मांगों को, आपकी जो मांगे हैं इनको क्या घोषणा पत्र में शामिल किया गया था? देखिए, घोषणा पत्र में शामिल करना या न करना ये अलग बात है। ये इनका स्पष्ट एक ये था कि सरकार आने के बाद में प्रत्येक समाज का प्रत्येक समस्या को 10 दिन के अंदर में हम निराकरण करके समाज के प्रमुख रखेंगे। तो 10 दिनों के अंदर में आज लगभग तीन साल से ज़्यादा इनका शासन व्यतीत हो गया है पिछड़ा वर्ग समाज का। इनका कोई भी मतलब जो प्रमुख मांगे हैं उनको नहीं माना गया है और इतनी बड़ी सभा को आज इन्होंने रुष्ट कर दिया है, जिसका परिणाम बहुत दुर्गामी होगा। तो आपको बता दें, अब सिर्फ एक साल बचा हुआ है अगले विधानसभा चुनाव को, तो अगर इस प्रकार लोगों की नाराजगी जो देखने को मिल रही है, चलिए हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे अगर इनकी मांगे पूरी ना हुई तो अगले चुनाव में इनका रुख क्या होगा। अभी तो समय है, मेरे ख्याल से आज की सभा में जिस प्रकार पब्लिक रुष्ट होके जा रही है, मुख्यमंत्री महोदय को इसके सीख लेते हुए कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा पिछड़ा समाज के लिए जो उनके फेवर में हो। यदि फेवर में निर्णय आया तो पिछड़ा समाज जो हमारे पक्ष में रहेगा उसके साथ में है, उसकी सरकार बनेगी। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले एक साल लगभग अभी बचा हुआ है, जिसके पहले सभी समाज के वर्ग अपनी अपनी मांगों को मनवाने के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या फिर कोई सामाजिक संगठन। नमस्कार, मैं है दिलीप गुहार, आप बने रहिए बस्तर एक्सप्रेस के साथ।